गुड मॉर्निंग। कल हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, लीस्ट काउंट, डायरेक्ट फॉर्मूला कि 1 MST - 1 VST, देन रीडिंग, देन एरर। तो मैंने एक दिन आपको दिया था कि आप खुद एनालाइज करें कि कैसा आया होगा। तो आज वो चीज छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको सुनाऊंगा। पहला काम है कि लीस्ट काउंट कैसे निकलता है ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। सपोज ये मेन स्केल है, ये वो फिक्स्ड स्केल है, मूवेबल नहीं है, दिस इज मेन स्केल। मान लीजिए मेन स्केल का जीरो मार्क यहां है, 0 सेंटीमीटर मार्क, देन एंड दिस इज द 1 सेंटीमीटर मार्क ऑफ मेन स्केल, ये है। अगर कोई एरर नहीं है तो जब आप दोनों जॉ को टच करेंगे तो वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो यहां पे होगी। अब वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन, क्योंकि ये डिवीजन थोड़ा छोटा होता है, फर्स्ट लाइन यहां होगी। वर्नियर स्केल की सेकंड लाइन थोड़ी और इधर होगी, वर्नियर स्केल की थर्ड लाइन थोड़ी और इधर होगी, फोर्थ लाइन इधर होगी, फिफ्थ लाइन वर्नियर स्केल की इधर होगी, सिक्स्थ लाइन वर्नियर स्केल की यहां होगी, सेवंथ लाइन वर्नियर स्केल की यहां होगी, एट्थ लाइन वर्नियर स्केल की यहां होगी, नाइन्थ लाइन वर्नियर स्केल की यहां होगी, एंड टेंथ लाइन मेन स्केल की नाइन्थ लाइन से कोइंसाइड करेगी। ये आपका नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होता है, ये तब है जब दोनों जो को आपस में आपने टच किया हुआ, इधर से ये और इधर से ये दोनों टच है। ये जो था दिस इज फिक्स्ड जो, एंड ये जो था दिस इज मूवेबल जो, इन दोनों को आपने टच किया हुआ, तो इस तरह का रहता है। अब आप इस डायग्राम में समझो, ये जो डिस्टेंस है, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहां तक, दिस इज वन मेन स्केल डिवीजन। ये जो डिस्टेंस है दिस इज वन मेन स्केल डिवीजन, और ये जो डिस्टेंस है इतनी, दिस इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इनके बीच का जो गैप है वो मैंने बोला x, इनके बीच का जो गैप है दैट इज x। तो x बराबर यहां पे दिख रहा है 1 MST - 1 VST, x जो आया दैट इज 1 MST - 1 VST। अब जैसे ही आप इसमें कोई लेंथ मेजर करने के लिए फिट करेंगे तो फर्स्ट टाइम रीडिंग मेजरेबल कब होगी? भाई हम ये मेजर करते हैं कि एक तो मेन स्केल रीडिंग और प्लस कौन सी वर्नियर रीडिंग, कौन सा वर्नियर लाइन किसी वर्नियर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, एक ये देखना होता है। तो ये तो हमने अपना शुरुआती डायग्राम बनाया, शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्या है और एक्स कैसे निकाला वो मैंने बता दिया। अब देखो पहली बार रीडिंग पॉसिबल तब होगी जब मेन स्केल, वर्नियर स्केल की पहली लाइन मेन स्केल की इससे जस्ट आगे वाली लाइन से कोइंसाइड कर जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको इसको कितना चलाना पड़ेगा? अगर मैं ये चाहूं कि ये वन वाली लाइन इस मेन स्केल लाइन से कोइंसाइड कर जाए, तो ऐसा करने के लिए देखिए आपको कितना इसे आगे मूव करना पड़ेगा। ये फिक्स थे और मूवेबल जो थे ये आपस में टच कर रहे थे यहां पे। अब क्या होगा, नया डायग्राम देखिए आप, दोबारा से मैं यही कंपैरिजन दिखा रहा हूं। दिस इज द मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल है, यहां उसकी 0 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ये उसकी 1 सेंटीमीटर वाली लाइन, 0.1 सेंटीमीटर वाली, मतलब पहला डिवीजन यहां पूरा हुआ है, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर मार्क ऑन मेन स्केल। पहली बार रीडिंग तब मेजरेबल होगी जब इसकी फर्स्ट लाइन यहां आ जाए, यानी कि इस वर्नियर की जो पहली लाइन है, जीरो लाइन एक अलग रहेगी, जीरो लाइन यहां पे है, जीरो लाइन यहां पे है, ये फर्स्ट लाइन अगर यहां आ जाती है, ये ऊपर मेन स्केल है और नीचे वर्नियर स्केल है जो कि मूवेबल है, जो मैं ब्लू कलर से लिखा रहा हूं। इस वक्त दोनों जो थोड़े खुले होंगे,
क्योंकि तभी तो ये लाइन कुछ आगे खिसकी होगी। इस वक्त ब्लू जो भी एंड ये वाला जो, ये दोनों के दोनों कुछ खुले होंगे, कितना खुले होंगे उतना ही खुले होंगे जितना कि ये आगे गया होगा। ये आपकी दोनों फिक्स जो एंड मूवेबल जो के बीच का गैप हो गया है। अब आपने यहां कोई भी एक ऑब्जेक्ट फिट किया, इसमें आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट फिट किया था यहां पे, ये कोई लेंथ थी जो आप मेजर करना चाह रहे थे जिसे मैंने बोला L। ये एक लेंथ है जो आप मेजर करना चाह रहे जिसे मैंने L बोल दिया। तो अगर ये L है तो ये जो मूवेबल स्केल है ये L आगे खिसक गया होगा, और असल में मूवेबल स्केल चला है X क्योंकि इसकी फर्स्ट लाइन इस पे आ गई है। तो जो मूवेबल स्केल आगे की तरफ मूव करके गया, दैट इज X आगे गया। अब अगर आप रीडिंग बनाए स्मॉलेस्ट मेजरेबल रीडिंग, स्मॉलेस्ट मेजरेबल रीडिंग उसे ही बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो ये है स्मॉलेस्ट मेजरेबल रीडिंग। तो लीस्ट काउंट आया मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये आपका लीस्ट काउंट निकल के आता है। ये हमारा वो मेथड था जब हम जनरल जानते हैं कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिखी जाती है। फिलहाल देखिए ये एक्स कितना है, अगर आप देखें तो ये एक्स उतना ही है जो ऊपर था, क्योंकि ये पूरी लेंथ तो है 1 MHD 0.1 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 1 VHD। सो एक्स जो आया दैट इज 1 MHD माइनस 1 VHD। इसका मतलब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कमिंग आउट टू बी 1 MHD माइनस 1 VHD एंड उसके बाद जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है उसमें हमने आगे निकाल ही लिया था कि नॉर्मली यूजुअली जो कुछ ना बता रखा हो आपको, तो एक एमएसटी लिया जाता है 0.1 सेंटीमीटर, एक बीएसटी लिया जाता है 0.09 सेंटीमीटर, और इससे 10 बीएसटी बराबर 9 एमएसटी, तो उस तरीके से हमने निकाला था। और यहां से अगर आप लीस्ट काउंट लिखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस और वो निकल के आएगा 0.01 सेंटीमीटर। चलो ये तो हमने कल भी देखा था, अभी हमारा मेन टारगेट था जो एक दिन आपको दिया था सोचने के लिए कि ये लीस्ट काउंट 1 MHD माइनस 1 VHD ही क्यों आया। तो आप एक बार दोबारा से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे है कि हमें निकालना था। ये तो तब है जब दोनों जो आपस में टच है, ये तो तब है जब कोई रीडिंग नहीं है, कोई लेंथ आप मेजर नहीं कर रहे हो, जीरो जीरो पे। ज्यादा है ज्यादा पहली बार रीडिंग तब आएगी जब ये यहां टच कर जाए, जब ये यहां टच कर गया तो एल खुला। अगर ये यहां टच कर गया तो ये पीछे वाला कुछ एक्स चला होगा, वो एक्स उतना ही होगा जितना एक्स था। तो यहां देखो जी ऊपर देखो, दिस एक्स इज 1 MHD माइनस 1 VHD, सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसी तरह से छोटी छोटी चीजें आपको सोचनी थी, बाकी ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लीस्ट काउंट निकालने के। थैंक यू।